विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन शून्यकाल में तेंदुपत्ता संग्राहकों की समस्याओं पर बीजेपी स्थगन प्रस्ताव लेकर आई। आसंदी ने प्रस्ताव को अग्रह किए जाने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा चलाया। सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शून्यकाल में तेंदुपत्ता संग्राहकों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने वाली चरण पादुका, संग्राहकों को मिलने वाली राशि पर भी नजर होने का आरोप लगाया। पत्ता को लेकर आज जो स्थगन लाया गया उसमें मूल विषय यह है कि तेंदुपत्ता के तोड़ाई का काम जो हमारी जब सरकार थी तो ये लगातार तक 15 से 20 दिन 25 दिन चलता था। ये धीरे 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 कम होता जा रहा है और अब ये 3-4 दिन में ही तेंदुपत्ता के तोड़ाई का काम हो जाता है। और ये आज यदि मैं रेट देखूं तेंदुपत्ता का, उस समय हम चरण पादुका देते थे।